everyone. Today, in squares and square root, we are here to see the word problem. Our question is find the value of under root 9216, that is 9260, and from this value calculate under root 92.16 plus 9.216. We have to evaluate this. So first let us work out 9216 square root. It will be easy if we go with the long division method. हम लोग long division method से पहले इसकी value निकाल लेते हैं. 9, this is your 9216. जैसे कि हम लोग करते हैं, पहले हमने right hand side से इसकी pairing कर ली. ऐसा number लेना है जिसका square 92 से कम हो, तो obvious है कि वो 9 हो जाएगा आपका. 9 9 is 81. ये आपका यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, अगेन इट इज 16, 9 आपने ऐड किया और ये आपका हो गया 80. ऐसा नंबर यहाँ पे लीजिए जिससे मल्टीप्लाई करिए तो ये पूरा नंबर आपका आ जाए. यहाँ पे 6 है तो या तो ये 4 से आएगा या फिर ये आपका किससे आएगा, 6 से आएगा. 4 से देखिए ये नंबर आपका कम हो जाएगा, तो हम इसको रखते हैं किससे, 6 से करके देखते हैं. 6 अगेन 6, 6 6 36 6 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 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 96। अब अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है 92.16 का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 92.16/100। आपने पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो डिनोमिनेटर में ये कितना आ जाएगा 100। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 96 क्योंकि हमने इसका ऑलरेडी स्क्वायर रूट निकाला 96/10 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 9.6। ओके, अब हमारे पास दो टर्म की वैल्यू है, अब सिर्फ ऐड कर देंगे। नाउ यू कैन राइट दिस अंडर रूट 92.16 + 9.216। इसकी वैल्यू आपने रख दी, इसकी वैल्यू कितनी है 9.6 + 9.216। ऐड कर लीजिए 9.6 and 9.216। यहाँ पे नंबर नहीं है, वहां पे आप जीरो डाल सकते हैं। ये 6, ये 1, ये 8, ये आपका हो गया 18. दिस इज योर 18.816। सो दिस इज योर फाइनल answer for this different question in which you are supposed to find एक number है उसका square root निकालना है, उसके बाद decimal को shift किया है और फिर आपको इन दोनों term को क्या करना है evaluate करना है। Thank you.